सोलो भाई लोग आगे एक न्यू कमल के वीडियो के साथ। और मैंने जो ये वाला फोटो जो इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी एंड काफ़ी वगैरह कमेंट थे भाई अपने बैकग्राउंड को कैसे चेंज किया, मतलब इस वाले फोटो को देख सकते हो और इस वाले फोटो को देख सकते हो, मतलब कमल के बैकग्राउंड हमने यहाँ पर चेंज कर दिया एंड ये वाला जो यहाँ पर कलर टोन दे दिया, देख सकते हो काफ़ी से कमल के लग रही फोटो। आपको कौन सा वाला यहाँ पर बेस्ट लगा वो कमेंट बॉक्स में बोल देना एंड यहाँ पर मैं आपको बस इस टाइप की एडिटिंग सिखाऊंगा कैसे आप लोग यहाँ पर परफेक्ट जो बैकग्राउंड को यूज करके यहाँ पर परफेक्ट हिसाब से लगा सकते हो। ठीक है, कौन सा बैकग्राउंड आपके फोटो में चाहिए वो अपने हिसाब से यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो से लाइक कर दो और इसी चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग ये वाला नॉर्मल फोटो है तो इस फोटो को आपको सबसे पहले जो यहाँ पर लाइटरूम पर शेयर करना होगा। ठीक है, हम यहाँ पर लाइटरूम पर शेयर कर लेते हैं इस फोटो को। तो लाइटरूम पर आने पर तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो लाइट्स पे जाना एंड आपको यहाँ पर सबसे पहले एक्सपोजर को बढ़ा देना इस टाइप से एंड इसके कॉन्ट्रास्ट को कम और इसके हाइलाइट्स को कम और इसके शेड को बढ़ा देना और इसके जो व्हाइट्स को कम और इसके ब्लैक को भी कम कर देना एंड हम जो है इसके शेड को और थोड़ा बढ़ा देते हैं एंड इसके जो है हाइलाइट्स को कम और इसके शेड को और थोड़ा बढ़ा देंगे इस टाइप से, जैसे कि हमारा फोटो एकदम परफेक्ट लगे और इसको बैक कर लेंगे। और अभी हमें यहाँ पर कलर्स पर जाना है और मिक्स पिक्सल करना है, तो हमें यहाँ पर जो है फेस पर टील कलर रखना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो है इसको नेमेंट्स को बढ़ा देंगे यहाँ पर और इसका शेड को बढ़ा देंगे इस टाइप से और जाते हैं आप दूसरे कलर पर। और सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर नेमेंट्स को बढ़ा देना एंड अभी आपको यहाँ पर जो है शेड को हल्का से यहाँ पर कम कर लेना एंड यहाँ पर ह्यू को चेंज करके देखना। ठीक है, जिस टाइप से आपको अच्छा लगे उसी टाइप से कर लेना। यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, देख सकते हो यहाँ पर इस टाइप से आप रख सकते हो अपने फोटो को एंड काफ़ी अच्छा कर सकते हो एंड मैं यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर सेट कर लेता हूँ एंड मैंने जो इस टाइप से अपने फोटो को यहाँ पर जो है फेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर कलर रख दिया एंड अभी आपको यहाँ पर जो है येलो कलर पर जाना है और इसका जो है शेड को बढ़ा के देख लेना है एंड आपको ह्यू को चेंज करके देख सकते हो जैसे आपको अच्छा लगे। मैं इस टाइप से कर लेता हूँ एंड अभी मैं यहाँ पर ग्रीन पर क्लिक कर लेता हूँ, इसको माइनस कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर इतना ही काम था और इसको हम यहाँ से डन कर लेते हैं एंड यहाँ देख सकते हो फोटो कितना अच्छा लग रहा है। तो अभी आपको इस फोटो को शेयर करना हो जाए स्नैपचैट पर। ठीक है, हम यहाँ पर स्नैपचैट पर शेयर कर लेते हैं। तो स्नैपचैट पर आने के बाद आपको यहाँ पर जो टूल्स पर जाना है एंड आपको यहाँ पर जो टू इमेज पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर जो है इसकी शेडो को बढ़ा देना इस टाइप से और इसके हाईलाइट्स को भी और अभी इसको एम्बियंस को बढ़ा देना और इसके जो ब्राइटनेस को एकदम हल्का सा और इसके कॉन्ट्रास्ट को कम और इसकी शेड को थोड़ा ज़्यादा कर लेना, फेस में कलर आएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसको हम यहाँ से डन कर लेते हैं एंड देख सकते हैं हमारा फोटो कितना अच्छा लग रहा है। तो अभी हम यहाँ पर डिटेल्स पर जाते हैं और डिटेल्स को इस तरह से बढ़ा देंगे और इसको डन कर लेंगे और यहाँ पर हम सेलेक्टेड टूल का यूज़ कर लेते हैं। और अभी आपको जहाँ पर ब्लैक है बस यहाँ पर सेलेक्ट करके इस तरह से ब्राइटनेस को दे देना और उसको डन कर लेना एंड देख सकते हो फोटो कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हम फिर से जाते हैं सिलेक्टिव पर और यहाँ पर हाथ पर रख देते हैं इस टाइप से एंड इसको जो इस तरह से प्रैक्टिस को बढ़ाने के बाद इसको डन कर लेंगे एंड देख सकते हैं हमारा फोटो काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है। तो अभी आपको इस फोटो को यहाँ पर जो शेयर करना जो है ऑटोडेस्क एप्लीकेशन के अंदर, हम इसको ऑटोडेस्क में शेयर कर लेते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हो हमारे जैसे ऑटोडेस्क में, तो ऑटोडेस्क में सबसे पहले आपको यहाँ पर जो फेस को स्मूथ करना होगा। अगर आपको जो है फेस को स्मूथ करना नहीं आता तो मैंने जो उसके लिए भी वीडियो बना दिया, आप लोग उस वाला वीडियो को देख के यहाँ पर फेस स्मूथ कर सकते हो। तो मैं जो इस फोटो को सिंपल जो यहाँ पर सेव करूंगा एंड सेव करने के बाद आपको यहाँ पर बैकग्राउंड को इरेज करके यहाँ पर जो है डायरेक्ट जो बैकग्राउंड को लगा के दिखाऊंगा। ठीक है, एकदम बेस्ट बैकग्राउंड यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इस फोटो को सबसे पहले यहाँ पर सेव कर लेते हैं। तो देख सकते हो हमारा फोटो यहाँ पर सेव हो गया है। तो अभी आपको यहाँ से बैक हो जाना है, बैक होने के बाद आपको यहाँ पर जो क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना होगा। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर जो है बैकग्राउंड रिमूव लिखना होगा। ठीक है, बैकग्राउंड रिमूव लिख देना एंड आपको यहाँ पर जो है क्लिक करना है। ठीक है, इस वाले वेबसाइट के अंदर और मैंने जो आपको और एक जो वेबसाइट दे दिया, आप लोग जो उस वाले वेबसाइट से भी बहुत अच्छा जो यहाँ पर बैकग्राउंड को इरेज कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पर जो क्वालिटी लॉस नहीं होता, यहाँ पर जो हल्का सा यहाँ पर क्वालिटी भी लॉस हो जाता है। ठीक है, मतलब बहुत ही अच्छा यहाँ पर भी बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा बहुत वेट कर लेते हैं यहाँ पर। तो अभी आप लोग देख सकते हो हमारा बैकग्राउंड जो यहाँ पर रिमूव हो गया है। तो अभी हम यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पर लॉगिन करते हो आप लोग यहाँ पर एचडीवी भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पर जो है ऐसे ही इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा फोटो यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। तो अभी हम यहाँ पर जो है फाइल्स पर जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो अभी आप लोग देख सकते हो हमारे यहाँ पर बैकग्राउंड जो यहाँ पर रिमूव हो गया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। एंड मैं यहाँ पर जो आपको एक बैकग्राउंड दूंगा, ठीक है, इस वाले बैकग्राउंड को आपको यहाँ पर जो है शेयर करना होगा। ठीक है, ये वाला बैकग्राउंड को आपको यहाँ पर शेयर करना होगा। ठीक है, ये वाला बैकग्राउंड आपको यहाँ पर ऑटोडेस्क में शेयर करना है, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर पिक्सार्ट में करोगे तो आपका यहाँ पर क्वालिटी जो है बहुत ही लॉस हो जाता है। ठीक है, तो ऑटोडेस्क में आने के बाद सबसे पहले आपको उस वाले फोटो को यहाँ पर ऐड करना है जो आपने रिमूव किया था। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो मैंने जो है इस वाले फोटो को यहाँ पर ऐड कर लिया एंड देख सकते हो मेरे फेस के कलर जो यहाँ पर टील कलर है एंड मैंने जो यहाँ पर
बैकग्राउंड भी जो है टील कलर रखा क्योंकि हमारा जो है फेस के साथ जो है पर मिल जाए। तो इस हिसाब से आप भी जो बैकग्राउंड को सेट कर सकते हो और मैं फोटो को काफ़ी अच्छा कर सकते हो। एंड मैं जो स्टेप इसको रख लेता हूँ एंड मैं इसको स्टेप से रख लेता हूँ और अब इसको डन कर लेता हूँ। तो अभी हम ब्रश पर जाते हैं और हम यहाँ पर जो इरेजर ब्रश को सेलेक्ट कर लेते हैं, जो सॉफ्ट इरेजर वाला ब्रश है उसी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेटिंग पर जाना है, इसको अमाउंट को कम कर लेना और इसके साइज को कम कर लेना। एंड अभी आपको यहाँ पर जो है पैर को जो है पर रिमूव करना है हल्का सा, ठीक है, जो आप जैसे कि एकदम रियलिस्टिक सा लगे, ठीक है। हम इसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, यहाँ पर एकदम यहाँ पर परफेक्ट लगना चाहिए, हल्का हल्का सा करना है एकदम। और इसके अमाउंट को हम और थोड़ा कम कर लेते हैं एकदम इस हिसाब से और इसको ऐसे कर लेंगे और इसके अमाउंट को एकदम कम कर लेते इस टाइप से। और अभी आपको ऊपर करना है, अभी देख सकते हो अभी एकदम रियलिस्टिक से लग रहा है। और आपको यहाँ पर एक पीएनजी दे दूंगा, इस वाले पीएनजी को भी आपको यहाँ पर ऐड करना है। इस वाले पीएनजी को आपका लिंक जो है मिल जाएगा, इसको डाउनलोड कर लेना। एंड ये वाला पीएनजी बहुत ही अच्छा है, तो एक बार यूज़ करो तभी आपको पता चलेगा। और इसको हम स्टेप्स यहाँ पर सेट कर लेते हैं, स्टेप्स इसको सेट कर लेते हैं। और अभी आपको यहाँ पर ब्रश पर जाना है और आपको यहाँ पर इस वाले ब्रश को सेलेक्ट करना है, हार्ड इरेजर वाले ब्रश को, एंड इसके सेटिंग पर जाना है, इसको 100% कर लेना। एंड अभी आपको यहाँ पर जो है स्टेप से इसको रिमूव करना होगा, ठीक है, इस स्टेप से रिमूव कर लेना आप लोग, इसको रिमूव कर लेना है। और यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर क्लिक कर लेते हैं अभी, और अभी जो है हम इसके जो है अमाउंट को 100% कर लेंगे इस स्टेप से। एंड देख सकते हैं हमारा फोटो देख सकते काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड अभी आपको यहाँ पर जो और एक लाइट का पीएनजी भी मिल जाएगा यहाँ पर, तो आपको जो इस वाले लाइट का पीएनजी को भी ऐड करना है। एंड इसको डन कर लेना, इसको हम स्क्रीन कर लेते हैं यहाँ पर। इसको स्क्रीन करने के बाद अभी आपको यहाँ पर जो है इस टाइप से इसको रख देना, ठीक है, अपने जो है फेस के साथ मिल जाए इस टाइप से यहाँ पर, और इसको डन कर लेना। एंड देख सकते हैं हमारा फोटो काफ़ी अच्छा कूल में हो गया है। तो अभी आपको इस फोटो को शेयर करना जो लाइटरूम पर, यहाँ पर लाइटरूम पर जो है बहुत ही धांसू एडिट होने वाला है, तो हम यहाँ पर जो लाइटरूम पर ऐड कर लेते हैं इस फोटो को। तो अभी आप लोग देख सकते हो हम आ चुके हैं लाइटरूम पर। तो अभी आपको यहाँ पर लाइट्स पर जाना है एंड आपको जो एक्सपोजर को बढ़ा दूंगा इस टाइप से, और इसकी कॉन्ट्रास्ट को कम और इसके हाईलाइट्स को ज़्यादा कर लेना, और इसके जो शेडो को भी, और इसके जो है व्हाइट्स को जो हल्का सा कम और इसके ब्लैक को भी कम, और इसके बैक कर लेना। तो अभी हम जाते हैं क्लस पर और आपको मिक्स पर जाना है, और अभी आपको सबसे पहले चेसेज को बढ़ा देना है एंड इसके जो निमेंट्स को भी दूसरे कलर पर जाना है और इसके ह्यू को देख लेना सबसे पहले, ठीक है। हम इसको इस टाइप से कर लेते हैं एंड इसके जो हम चेसेज को थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे एंड इसके जो निमेंट्स को भी। तो अभी हम जाते हैं यहाँ पर येलो वाले कलर के अंदर और इसके चेंज करके देखना सबसे पहले ह्यू को। एंड इस टाइप से करोगे देख सकते हो बैकग्राउंड कितना अच्छा यहाँ पर कूल में रेडी होकर आ गया। एंड मैं इस टाइप से रख लेता हूँ, मैं जो यहाँ पर शेसर को तो हल्का सा बढ़ा लेता हूँ। एंड अभी आपको ग्रीन को जो देख लेना, ठीक है, सबसे पहले ह्यू को देख लेना आपको। एंड अभी हम जाते हैं इस कलर के अंदर, इसको शेसर को थोड़ा बढ़ा देंगे एंड इसका भी शेसर को थोड़ा बढ़ा देंगे। एंड देख सकते हो हमारा फोटो अभी अच्छा लग रहा है। एंड इसको कम कर लेंगे एंड इसको भी कम कर लेंगे, इसको डन। एंड अभी आपको यहाँ पर जो सेलेक्टिव पर जाना है, तो सेलेक्टिव पर आने के बाद आपको यहाँ पर जो प्लस ब्लैक पर क्लिक करना है एंड आपको जो इस वाले पर क्लिक करना है। और अभी आपको स्टेप से करना है, ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ आपको इस टाइप से करना है। एंड अभी आपको यहाँ पर जो लाइट्स पर जाना है एंड एक्सपोजर को बढ़ा देना इस टाइप से, और आपको ऊपर इस टाइप से कर लेना होगा। एंड इस टाइप से हम कर लेते हैं यहाँ पर और इसको डन कर लेंगे। एंड देख सकते हैं हमारा फोटो काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड अभी फिर से हम जो है सेलेक्टिव पर जाते हैं और अभी आपको यहाँ इसको क्लिक करना है एंड इसको जो स्टेप से कर लेना है और इसको जो हल्का सा यहाँ पर माइनस कर लेना, ठीक है, लाइट्स को, एक्सपोजर को कर लेना। और देख सकते हो हमारा फोटो यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड इसको डन कर लेते हैं, देख सकते हो फोटो। एंड अभी हम यहाँ पर शार्पनेस पर जाते हैं, शार्पनेस को इस तरह से बढ़ा देंगे एंड देख सकते हो हमारा फोटो कितना ज़्यादा कूल में रेडी हो गया। एंड अभी आपको यहाँ पर जो है कलर्स पर जाना है, अभी आपको यहाँ पर कलर्स पर आने के बाद आपको यहाँ पर जो है कलर ग्रेडिंग पर जाना है एंड इसको जो माइनस कर लेना इस टाइप से, एंड इस टाइप से माइनस कर लेना और इसको भी थोड़ा हल्का सा माइनस कर लेना और इसको चेंज करके देख लेना, ठीक है, अपने फोटो के अकॉर्डिंग जैसे आपको कलर अच्छा लगे। मैं इसको जो इस टाइप से कर लेता हूँ और इसका जो शेसर को थोड़ा कम कर लेंगे इस टाइप से हल्का सा, और इसको भी शेसर को कम। एंड हम जो है पर तीसरे वाले कलर पर अंदर जाते हैं और इसके ह्यू को देख लेते हैं, ठीक है, शेसर को बढ़ा के एंड ह्यू को इस टाइप से करके देख सकते हो फोटो। एंड इसको हम थोड़ा माइनस कर लेंगे एंड इसको ह्यू को जो हम इस टाइप से कर लेते हैं एंड देख सकते हो हमारा फोटो एकदम काफ़ी मस्त लग रहा है।
तो आज के वीडियो को लेते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे वीडियो लाइक कर देना, और अगर चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आपका भाई जो ऐसे जो हमेशा वीडियो अपलोड करते रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और मिलते हैं कुछ नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।